हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मार्टी नसीम में। फ्रेंड्स, अगर आप भी रिलायंस जियो के एक रिटेलर हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते ही हैं, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिलायंस जियो ने 6.5% से 4% का कमीशन कर दिया है सभी रिटेलरों का। तो उसी के बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि रिलायंस जियो ने दोबारा से 6.5% का कमीशन अपने जियो रिटेलरों को देना स्टार्ट कर दिया है। क्या है उसका प्रोसेस, किस तरीके से आपको 6.5% का कमीशन मिलेगा और किस माध्यम से मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से मिलेगा या दूसरे माध्यम से। 6.5% का कमीशन हासिल करने के लिए आज की वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे के बटन को दबा लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी 50 रुपये का कैशबैक पाना चाहते हैं तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया है। आप उस ऐप को अगर उस लिंक पे जाके डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो आपको 50 रुपये का कैशबैक हाथों हाथ मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि रिलायंस जियो किन रिटेलरों को 6.5% का कमीशन देने जा रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ फ्रेंड, रिलायंस जियो उन सभी रिटेलरों को कमीशन 6.5% के हिसाब से देगा जिन रिटेलरों का ऑटो रिफिल इनेबल है, यानी कि जिन्होंने ऑटो रिफिल अपना इनेबल कर रखा है या जिनका डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑटो रिफिल इनेबल कर रखा है, उन्हीं रिटेलरों को 6.5% का कमीशन दिया जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ऑटो रिफिल कैसे चेक करेंगे कि आपका ऑटो रिफिल इनेबल है या डिसेबल है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट लोड लेते हैं यानी कि आपका ऑटो रिफिल इनेबल नहीं है, तो आपको 4% का कमीशन ही दिया जाएगा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सभी रिटेलर जो लोड लेते हैं वो लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, और सभी डिस्ट्रीब्यूटर जो लोड लेते हैं वो लेते हैं डायरेक्ट रिलायंस जियो से। तो रिलायंस जियो ने हाल ही में अपने प्लान में कुछ चेंज किया है, यानी कि अब रिलायंस जियो डायरेक्ट रिटेलरों का बैलेंस डाल रहा है, यानी कि लोड डाल रहा है, उसको इन्होंने नाम दिया है ऑटो रिफिल का। ऑटो रिफिल में क्या होता है कि पहले डिस्ट्रीब्यूटर को जो रिलायंस जियो लोड देता था वो देता था 7.5% या 8% एरिया टू एरिया, ये डिपेंड करता है। तो वो पहले तो 4% के हिसाब से देता था, फिर बाद में 24 घंटे में या 48 घंटे के अंदर अंदर 3.5% का कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को डाल दिया था करता था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर हमारे अकाउंट में डायरेक्ट 6.5% के हिसाब से कमीशन डालता था, यानी कि 6.5% उसका 4% आता था, लेकिन वो तब भी हमारा 6.5% कमीशन डालता था। तो रिलायंस जियो ने इसे बदल दिया, अब रिलायंस जियो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पहले 4% का कमीशन डालता है, बाद में जो 2.5% हमारा बचता है वो डायरेक्ट क्रेडिट कर देता है हमारे ही अकाउंट में। अगर आपका ऑटो रिफिल इनेबल है, जिन रिटेलरों का ऑटो रिफिल इनेबल है उन्हें पहले 4% के हिसाब से कमीशन आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1,000 रुपये अपने अकाउंट में ऐड कराए तो आपको 1,040 रुपये के हिसाब से मिल जाएंगे। लेकिन बात का जो आपका 2.5% है, ये मेरे एरिया में तो 6.5% ही मिलता है, कुछ एरियों में रिटेलरों का कम कमीशन भी है जिन्हें 5.5 के हिसाब से मिलता है। तो मैं उन रिटेलरों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मुझे 6.5% का कमीशन मिलता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से, तो डिस्ट्रीब्यूटर अब मेरा जो कमीशन आता है वो, जैसे कि मेरा कमीशन आता है पहले 1,040 रुपये आ जाते हैं, फिर उसके बाद 2.5% के हिसाब से मेरा बाकी क्रेडिट कर दिया जाता है कमीशन। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से अपना ऑटो रिफिल इनेबल चेक करेंगे कि आपका इनेबल है या डिसेबल है। अगर डिसेबल है तो आप उसे किस तरीके से इनेबल करेंगे, तो आपको सबसे पहले अपने जियो पॉस प्लस में लॉगिन कर लेना है अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के। उसके बाद 3 लाइन कॉर्नर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जियो अदर सेल्स का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा, एक पेज खुल जाएगा, यहाँ आप देखेंगे ऑटो रिफिल ई वॉलेट का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है साइड में, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर ने, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर में ने आपकी कितनी ऑटो रिफिल अमाउंट वो कर रखी है, इनेबल कर रखी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी ऑटो रिफिल अमाउंट जो है वो 10,000 की है, यानी कि मैं बड़ा लोड डलवाता था पहले डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उसी के हिसाब से मेरा 10,000 रुपये ऑटो रिफिल इनेबल है। यहाँ देख सकते हैं आप, मेरा 10,000 का ऑटो रिफिल इनेबल है। स्टेटस दिखा रहा है पेंडिंग, यानी कि मुझे यहाँ पर अप्रूवल देना होगा। यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि टर्म एंड कंडीशन क्या है। कि अगर आपको अपना ऑटो रिफिल इनेबल डिसेबल करवाना है तो डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना होगा, और अगर आप काम छोड़ रहे हैं यानी कि वगैरह वगैरह,
तो आप इससे एक हफ्ते पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताएंगे तो वो आपका इन्हें डिसेबल कर देगा ये। तो यहाँ देख सकते हैं नीचे मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है एक्सेप्ट और नॉट नाउ का, तो यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। यहाँ देखेंगे कि आप मेरा ऑटो रिफिल इनेबल हो गया है, यानी कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब जो मेरे पास भी ऑटो रिफिल की अमाउंट आएगी, यानी कि 10,000 से नीचे ही मेरा बैलेंस होते ही मेरे पास 10,000 मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे मैं कमीशन के, और बाद में जो कमीशन बचेगा 2.5% का वो बाद में 24 घंटे में या 48 घंटे में मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। फ्रेंड ये था आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी और सबसे पहले टिप्स लाता रहता हूँ।